हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के सीटीपी यानी कि बाल विकास के पेपर को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, जो पेपर 17 जनवरी 2023 को ऑनलाइन हुआ था उसका सीटीपी का फर्स्ट पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सारे पेपर्स को देख सकते हैं। साथ ही यदि 2021-2022 वाले पेपर्स भी आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोज आप तक पहुँच सके। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है? नंबर वन, विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। टू, विकास सिर से पैर की ओर होता है। थ्री, सभी व्यक्तियों में समान दर से होता है। फोर, प्रकृति और वातावरण की मिश्रित क्रिया का परिणाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर टू, विकास सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, निम्न में से कौन सा आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? नंबर वन, सामाजिक नीतियाँ। टू, शैक्षिक संस्थाएं। थ्री, जैविक परिपक्वता। फोर, सांस्कृतिक प्रथाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, जैविक परिपक्वता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? नंबर वन, किताबें। टू, सिनेमा। थ्री, माता पिता का कार्यस्थल। फोर, परिवार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, परिवार। छोटे बच्चों के लिए समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है परिवार। नेक्स्ट है फोर नंबर क्वेश्चन, जीन पियाजेट के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूल समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं? नंबर वन, संवेदीगामक। टू, पूर्व संक्रियात्मक। थ्री, मूल संक्रियात्मक। फोर, औपचारिक संक्रियात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, मूल संक्रियात्मक अवस्था में या चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों का संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है? ए, असंतुलनीकरण। टू है संकल्पना। थ्री, संगठन। फोर, मिथ्या धारणा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थ्री, संगठन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, लैब बायोस्की के अनुसार डैश चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर वन, पुरस्कार और दंड। टू, सांस्कृतिक उपकरण। थ्री, समान योग्यता समूह निर्माण। फोर, अग्रिम आयोजक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, सांस्कृतिक उपकरण जो हैं वो चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, लैब बायोस्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत देती है और सवाल को हल करने के प्राथमिक चरण बताती है ताकि वे दी गई समस्या के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सकें, क्या कहलाती है? नंबर वन, पार। टू, अनुरूपक। थ्री, परिपक्वता। फोर, सामाजिकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर वन, पार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी? नंबर वन, प्रशंसा का संवेगों पर प्रभाव। टू, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। थ्री, नैतिक तर्क का विकास। फोर, संवेगात्मक विकास का क्रम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, नैतिक तर्क का विकास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए? नंबर वन, निष्क्रिय नकल। टू, कंठस्थ स्मरण। थ्री, ज्ञान निर्माण। फोर, उच्च प्रतिस्पर्धा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थ्री, ज्ञान निर्माण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन, बुद्धि के समकालीन संप्रत्ययों के अनुसार बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि वे अक्सर डैश होते हैं। नंबर वन, वैध। टू, विश्वसनीय। थ्री, सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहित। फोर, व्यापक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, क्योंकि वे अक्सर सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहित होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इलेवन, भाषा और विचार नंबर वन कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं। टू, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। थ्री, किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। फोर, एक स्थिर और एक रूप से तरीके से ही अंतःक्रिया करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, भाषा और विचार कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व,
लगभग किस उम्र के आसपास प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है? नंबर वन 4 वर्ष, 2 10 वर्ष, 3 14 वर्ष, 4 18 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो नंबर 1 विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करे, 2 रूढ़िवादों और नामीकरणों को बढ़ावा दे, 3 योग्यता के बारे में सत्य धारणा को पोषित करे, 4 विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा दे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1 मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें, 2 मुख्यतः आधा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद मूल्यांकन करें, 3 सत्र के अंत में ही मूल्यांकन करें, 4 सत्र के शुरू में ही मूल्यांकन करें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में मददगार है? नंबर 1 आ प्लस बा का स्क्वायर का सूत्र क्या है, 2 भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, 3 हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं, 4 बाल दिवस किस तारीख पर मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं। ये जो सवाल है विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में मददगार है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि नंबर 1 उन्हें केवल अलग संकाय में पढ़ाया जाए, 2 उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए, 3 उन विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा किया जाए, 4 उनके लिए विद्यालय पश्चात ट्यूशन लेना अनिवार्य किया जाए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। गुणज बैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी अक्सर किस क्षेत्र में चुनौती महसूस करते हैं? नंबर 1 गणित, 2 गायन, 3 दौड़, 4 चित्रण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गणित में। गणित के क्षेत्र में चुनौती महसूस करते हैं जो गुणज बैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है? नंबर 1 ब्रेल किताबें, 2 स्पर्शनीय मानचित्र, 3 लिपिक की मदद लेना, 4 लिखित परीक्षाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लिखित परीक्षाएं। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा गुण प्रायः स्वलीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है? नंबर 1 पुनरावृत्तीय व्यवहार, 2 संज्ञानात्मक मनम्यता, 3 उच्च स्तरीय संप्रेषण कौशल, 4 दिनचर्या में बारंबार बदलाव की चाह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पुनरावृत्तीय व्यवहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। रेशमा 3 साल की उम्र से ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी और उसने अपनी पहुँच की हर किताब पढ़ ली, रेशमा किस तरह की विशेषता दिखा रही है? नंबर 1 स्वलीनता, 2 प्रतिभाशीलता, 3 पठन वैकल्य, 4 मानसिक विकलांगता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रतिभाशीलता की विशेषता दिखा रही है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। बच्चे सबसे बेहतर डैश द्वारा सीखते हैं। नंबर 1 है खोजी अधिगम, 2 पुनरावृत्ति और अभ्यास, 3 निष्क्रिय नकल, 4 कंठस्थ स्मरण। तो सबसे बेहतर तरीके से विद्यार्थी किसके द्वारा सीखते हैं फ्रेंड्स? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा खोजी अधिगम द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। कथन ए है विद्यालयों को केवल सीखी गई सामग्रियों के पुनरुत्पादन पर जोर देना चाहिए, कथन ए गलत है। कथन तर्क आर है स्मृति ना तो रचनात्मक होती है और ना ही निर्वचनात्मक होती है, तर्क आर भी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए? नंबर 1 जिनकी प्रवृत्ति अति अमूर्त हो, 2 जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो, 3 जो विद्यार्थियों के परिवेश से गैर और अन्य देशीय हो, 4 जिनका उद्देश्य से पूर्व ज्ञान का पुनरुत्पादन मात्र हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। अधिगम प्रक्रिया में
विद्यार्थियों की संलग्नता को अधिकाधिक करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? नंबर वन, विद्यार्थियों की स्वायत्तता को न्यूनतम कर देना चाहिए। टू, विकर्षणों को अधिकतम कर देना चाहिए। थ्री, व्यक्तिगत विकल्पों को न्यूनतम कर देना चाहिए। फोर, कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, एक सामान्य युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचने में मददगार हो सकती है डैश कहलाती है। नंबर वन, स्मृति सहायक तकनीक। टू, प्रक्रियात्मक स्थिरता। थ्री, अनुक्रिया समुच्चय। फोर, अनुमानी सोच। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, अनुमानी सोच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विद्यार्थियों द्वारा गृहित वैकल्पिक अवधारणाएं नंबर वन, अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती। टू, पूरी तरह अतार्किक और अविवेकी होती हैं। थ्री, विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों ज्ञान को दर्शाती हैं। फोर, अध्यापक द्वारा सिरे से अनदेखी कर देनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत ज्ञान को दर्शाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, अधिगम नंबर वन संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। टू, संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। थ्री, सामाजिक संदर्भ से कभी कभार प्रभावित होता है। फोर, सामाजिक संदर्भ से कभी भी प्रभावित नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, अधिगम संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, कथन ए है, एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को संप्रत्यय की समझ पाने के लिए अधिगम करने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए। कथन ए हमारा सही हो जाएगा। तर्क आ रहे, अधिगम अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होता है अगर वो महारत उन्मुखी हो। तर्क आर भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है? नंबर वन, वातावरण से स्वाभाविक सहज पारस्परिक क्रिया। टू, स्व अभिप्रेरित अभ्यास। थ्री, जानने और खोज करने की चाह। फोर, कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम जो है वो विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना क्या कहलाता है? नंबर वन, स्मृतिकरण। टू, समायोजन। थ्री, परासंज्ञान। फोर, विलंबित नकल। तो यह कहलाता है फ्रेंड्स परासंज्ञान, ऑप्शन नंबर थ्री इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोज़ आप तक मिल सकें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।